अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो एक दो दिन पहले मैं घर पहुंचा था, तो मैंने एक दो दिन में कुछ रिकॉर्ड नहीं किया, तो क्योंकि थोड़ा सा रेस्ट लिया था और एडिटिंग भी करनी थी, तो उस चक्कर में मैंने कुछ रिकॉर्ड नहीं किया। तो अभी मैं जा रहा हूँ छोटी सी राइड पर, मेरा दोस्त है वो वेट कर रहा है मेरा, तो बड़ा टाइम वहाँ मिले ही नहीं, तो आज उसने सुबह सुबह ही कॉल की थी मिलने के लिए, आ जा। तो अभी वो रेलवे स्टेशन में वेट कर रहा है, क्योंकि हमारा वही एक जगह है जहाँ हम जाते हैं। वैसे तो यहाँ कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ जाए, तो लोग देखो रोड में क्रिकेट खेल रहे हैं। तो एक साल पहले ये जो रोड था इतना रश होता था इस पर, बट कुछ टाइम के बाद अब जो हमारा 4 लाइन कंप्लीट हुआ, तो उस वजह से इस रोड पे अब गाड़ियाँ कम ही चलती है, जो लोकल्स है वही चलते हैं। तो चलो मिलते हैं अब आपको सीधे वहाँ पे। अभी हम अपनी लोकेशन पे पहुँच गए थे, बट मेरे को कहीं बंदा नहीं दिख रहा है जिसको मेरे को मिलना था, पता नहीं कहाँ पे है। चलो देखते हैं। अच्छा ये इधर रुका है राइट साइड। तो बाइक में कुछ लिखना था, चलो अच्छी जगह ये रुका था। चलो फिर मिलते हैं आपको अभी कुछ टाइम के बाद। मैं जब आया था मुझे लगा था थोड़ी सी यहाँ पे ठंड होगी, बट यहाँ पे भी मतलब अच्छी खासी गर्मी है। तो दिन को तो कुछ ज़्यादा ही होती है, हाँ थोड़ी सी ठंड होती है शाम को। तो अभी हम थोड़ा सा राइड करके आए, तो ये हमारा ये ट्रक पार्किंग है, तो हम जब भी आते हैं इधर ही आते हैं। और ये मेरे फ्रेंड की है एनएफ, तो इसको थोड़ा सा हम चलाएँगे, इसका भी रिव्यू बताएँगे आपको, मतलब कितनी पावर है इसमें। तो अभी मैंने उसको बोला मैं थोड़ा सा शॉर्ट राइड लेता हूँ यहाँ से उधर तक, थोड़ा इसमें वो देखता हूँ कितना डिफरेंस है, क्योंकि पावर तो इनकी ऑलमोस्ट सेम है, मतलब सीसी तो ये सेम है, ये भी 200 है, ये भी 200 है, बट इसमें क्या है, इसमें थोड़ी सी पावर कम है। तो जो इसका टॉप एंड है, टॉप एंड इसका ज़्यादा है, इसका कम है। ये इसका मैंने टॉप एंड चेक किया था एक बार, तो इसका 134 हुआ था, उसके ऊपर नहीं चढ़ी थी ये। तो अभी मैंने अपने इस फ्रेंड से बात की थी, तो उसने बोला 148 मतलब 144 तक जाती है ये। तो अब थोड़ा सा राइड में करता हूँ, देखूंगा कैसा पिकअप है, क्योंकि ड्यूक 200 में तो पिकअप ज़्यादा है, ये मेरे को अच्छे से पता है। इसमें थोड़ा सा कम है, वो अब चेक करूँगा मैं कितना है। तो थोड़ा सा मैं आपको एग्जॉस्ट भी इन बाइक्स का, दोनों बाइक्स का सुनाता हूँ। इन दोनों में अंडरबेली एग्जॉस्ट आता है। सबसे पहले हम NS का एग्जॉस्ट सुनते हैं। तो ये था NS का एग्जॉस्ट नोट। अब अपनी ड्यूक का भी सुनाते हैं, इसमें भी अंडरबेली आता है। तो ये दोनों का एग्जॉस्ट नोट था। अब चलते हैं बाइक पे, थोड़ा सा इसका पिकअप चेक करेंगे। पिकअप तो मतलब इसका भी सही है, बट थोड़ा सा फ़र्क है इसमें और ड्यूक में, मतलब थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं है बट थोड़ा सा ही फ़र्क है। तो यहाँ तक ही मेरे को आना था, ज़्यादा दूर नहीं जाऊँगा मैं। तो और इसमें कुछ केबल का भी इशू है, यहाँ पे शो नहीं कर रहा है स्पीड। तो मैं सोच रहा था मैं इन दोनों बाइक्स का टॉप एंड भी चेक करूँ, बट इसका भी केबल का इशू है, और मैंने प्रॉपर गियर भी नहीं पहने, तो जब तक मैं प्रॉपर गियर ना पहनूँ तब तक मैं ऐसी कोई गलती नहीं करूँगा। तो इसका भी वैसे मतलब अच्छा खासा पिकअप है, टॉप एंड तो इसका ज़्यादा ही है, वो मेरे को अच्छे से पता है। इन फ्यूचर में आपको वो भी दिखाऊंगा इसका टॉप एंड कैसा है, बट अभी इसमें मीटर शो नहीं कर रहा है स्पीड, तो देखते हैं। बाकी मैं डिटेल्स डाल दूंगा इसकी भी और ड्यूक की भी, क्योंकि इंजन तो इनका सेम है, 200 इसका भी है, उसका भी 200 है। अभी हमने अभी डिसाइड किया था राइड पर जाने के लिए, तभी हम मिले थे, बट थोड़ी सी गर्मी ज़्यादा हो रही है और धूप है, तो अब हमने डिसाइड किया 5 बजे के बाद ही चले जाएंगे, छोटी सी राइड पे जाएंगे कहीं। तो यहाँ पे क्या होता है हमारे JNK में, यहाँ पे एक दिन जम्मू से ट्रैफिक जाता है श्रीनगर की तरफ, तो दूसरे दिन श्रीनगर से ट्रैफिक होता है जम्मू की तरफ, तो उस वजह से थोड़ा हाईवेज पे ज़्यादा रश रहता है ट्रैक्स का। तो अभी थोड़ा सा ही आगे आया था मैं, तो यहाँ ट्रैफिक देख सकते हैं, क्योंकि आगे इन्हें बाईपास रखा है, तो उस वजह से थोड़ा ट्रैफिक ज़्यादा ही रहता है इधर।
चलो मेरे पास बाइक है, मैं तो निकल जाऊंगा, मेरे को थोड़ा कम ही टाइम लगेगा। ये चीज़ मतलब जब भी श्रीनगर से ट्रैफिक आता है तो हमेशा यहाँ पे ऐसा ही है, मतलब इधर रोज़ का है। ये कहाँ जा रहा है? हेलो, हेलो, मुझे लेफ्ट साइड जाना है घर की तरफ। यहाँ से तो ट्रैफिक होता ही नहीं है, पहले तो यहाँ से बहुत ट्रैफिक होता था। तो चलो अब जब से 4 लाइन उधर हो गया तो तब से तो हमारा मसला सॉर्ट आउट हो गया ट्रैफिक का। अब तो यहाँ से सिर्फ लोकल ही चलते हैं। तो यह व्यू देख सकते हैं कितना सही व्यू आ रहा है यहाँ पे। एक चीज़ है, कहीं भी कैमरा ऑन कर लो हर जगह अच्छा व्यू ही मिलता है। चलो अब मिलते हैं आपको सीधे घर पे। तो अभी मैं थोड़ा सा आगे आया था बट पता नहीं बाइक में क्या हो गया, मीटर ही नहीं शो हो रहा है। अब तो ये इसका कुछ नया ही इशू आ रहा है सामने, अभी समझ नहीं आ रहा किस चीज़ में प्रॉब्लम है। बैटरी का इशू होगा शायद, पूरा कंफर्म नहीं पता है। तो ये वाली जो चीज़ है ये इसमें कट गई है, पता नहीं कैसे, ये देखो टूट गया है खुद ही। तो फिर भी थोड़ा सा पता है मेरे को बाइक्स का। मैंने सबसे पहले सीटी खोली, मेरे को लगा बैटरी का इशू होगा, तो अब इसको जुगाड़ करना है। देखते हैं घर तक पहुंच जाती, वहाँ पर फिर मैं अच्छे से जुगाड़ कर लूँगा, बट घर तक पहुँचनी चाहिए। अब जब मैं इस पर सीट लगाऊंगा इसमें फिर से ही मसला आएगा, देखते हैं क्या होता है। अब इसको ऐसे ही रखते हैं। बस घर तक पहुंच जाती। होप कि घर तक पहुंच जाए अच्छे से, देखते हैं। बस अब घर तक पहुंचनी चाहिए, फिर मैं इसको घर में ही जुगाड़ करूंगा खुद ही। अभी आराम से ही चलते हैं थोड़ा सा। चलो मिलते हैं आपको सीधे घर पे, अगर मैं घर तक पहुंचा ये लेके। फाइनली मैं घर पहुंच गया, मेरा जो जुगाड़ था वो कामयाब रहा। तो अभी मैं इसको देख लेता बाइक को, बट अभी मेरे को बैंक पे जाना है, मेरे को बैंक पे थोड़ा सा काम है बाइक के रिलेटेड। तो देखते हैं वो काम हो जाता है, फिर इंशाल्लाह आपको नए व्लॉग में बताएंगे कौन सा काम था। तो इस वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं। अगर यहाँ तक वीडियो देखी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर भी करना और लाइक भी करना। तो मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।